नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। सो दोस्तों, आज का जो वीडियो वो काफ़ी ज़्यादा अल्टीमेट होने वाला है, अगर आप जो है एक स्मार्टफोन सैमसंग डिवाइस यूज़ करते हैं। सो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो है वन यूआई का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले लेके आया हूँ, जो कि आपके S10 A50 जो आपके लेटेस्ट डिवाइस है उनमें ये फीचर जो है अवेलेबल है और ये बिल्कुल लेटेस्ट है। उसके लिए क्या करना होगा, आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, उसका लिंक आपको जो मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, तो वो एप्लीकेशन आपने जल्दी से इंस्टॉल कर लेनी। छोटी सी एप्लीकेशन है, जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो ये आपकी ये सिस्टम में वर्क करेगी और ये एप्लीकेशन बिल्कुल ही ऑफिशियली है और आपके फ़ोन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे इजीली मिल जाएगा। तो इंस्टॉल कैसे करना है, उसके बाद जो है पूरा प्रोसेस देखिए, उसके बाद इसे इंस्टॉल कीजिए। तो मैं आपको पूरा यहाँ पर बताऊँगा कैसे इंस्टॉल करनी है और कैसे कैसे जो है इसे सेट करना है अपने फ़ोन पे। तो ये एप्लीकेशन जो सेट हो चुकी है, तो मैं डिस्प्ले वाले मोड में गया। डिस्प्ले वाले मोड में जाने वाला आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का एक ऑप्शन मिलेगा, फिर आपने सभी परमिशंस को यहाँ पे जो है आके अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद जो है आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, फिर आपने लेआउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे बहुत सारी जो है वॉचेस मिलेंगी जो आप जो है अपने डिस्प्ले पे सेट कर सकते हो। तो मैंने ये वाली वॉच जो है यहाँ पे मुझे अच्छी लगी तो मैं इसे सेट करूँगा। इसका कलर भी जो है आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप वन यूआई में चेंज कर सकते हैं। S10 हो गया आपका, A50 हो गया, उनमें भी आप जो है कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे एप्लीकेशन में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो मैंने यहाँ देखा, यहाँ से मैंने जो है ये वाला वॉच जो है सेलेक्ट कर लिया। मैं जैसे ही फ़ोन को लॉक लगाऊंगा, लॉक लगाने के बाद क्विकली जो है देख सकते हो स्क्रीन पर आ गया और बिल्कुल ही अच्छा वर्क करता है और आपकी बैटरी में कम ड्रेन होती है और काफ़ी बढ़िया लगता है। आपको डिवाइस कोई भी दिखेगा, यार भाई मुझे भी बताइए कैसे करना है। मेरे पास जो है J7 Next डिवाइस है, तो J7 Next में काफ़ी ज़्यादा अल्टीमेट लग रहा है, क्योंकि इसका डिस्प्ले जो है ऑलवेज ऑन, इसका जो डिस्प्ले है वो है सुपर ओमलेट, और सुपर ओमलेट डिस्प्ले में काफ़ी अच्छा वर्क करता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर नया है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो बाय बाय, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पर।